अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार गोश्त। उसके लिए मैंने 2 kg जो है उससे ज़्यादा ही होगा गोश्त, तो मैंने वो लिया है क्योंकि हमारी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है। तो मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन जो है वो पेस्ट उसके ऊपर रख दिया, और मैंने दही जो ली है उसमें मैंने अचार गोश्त मसाला का 1 packet मिक्स करके उसको अच्छे से तरीके से गोश्त के साथ मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए 2 hours के लिए रख दिया है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ली हैं ग्रीन चिलीज़, और उनके लिए मैंने पेस्ट बनाया है अचार गोश्त मसाला, और उसमें लेमन जूस को अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको इस तरीके से चिलीज़ में फिलअप करके मैंने इसको भी जो है वो काफ़ी देर के लिए रख देना है। फिर हमने क्या किया, अचार गोश्त जो है उसको जो मैरिनेट के लिए रखा था उसमें 1 glass वाटर डाल के मैंने उसको कुकर के साथ दम दे दिया। दम के जैसे ही मैंने 1/2 hour बाद दम खोला है तो मैंने चेक किया कि मैं देखूं कि जो गोश्त है वो पक चुका है। फिर उसके लिए अचार गोश्त मसाले का 1 packet और जो है वो मैंने यूज़ किया है क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा थी। फिर मैंने क्या किया कि गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है, और उसके लिए ऑयल जो है वो 3 cup ऑयल यूज़ होगा, और गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें। फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डाला है, जैसे कि मुझे गोश्त में ग्रेवी पसंद है तो वाटर डालने के बाद, और लास्ट में इसमें चिलीज़ डालेंगी, और अचार गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।